जी बिल्कुल, सिंध के पढ़े लिखे बलदियात इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नए जो काउंसलर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ पर जो जिन्होंने हलफ लिया है, आइए इनसे दस्तूर पाकिस्तान और शहरियों के हकूक़ के हवाले से कुछ सवाल करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी जमात से आपका ताल्लुक है? मुसलमान इस्लामी इस्लामी जमीयत इस्लामी जमीयत का ताल्लुक है। अच्छा, आप क्या मुंतखब हो क्या है? वाइस चेयरमैन। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का जो आइन है वो किसने बनाया और वो आइन कब बनाया? आप मुंतखब हो क्या है? पाकिस्तान का आइन मुझे क्या पता है? किसने आइन का तो पता नहीं है मुझे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। अच्छा, कौन से जमात से ताल्लुक है आपका? ताल्लुक है पीपल्स पार्टी। अच्छा, आप मुझे बताएं पाकिस्तान का जो आइन है, आप मुंतखब हो गए हैं, पाकिस्तान का जो आइन है वो कब बनाया है और वो आइन किसने बनाया है? 2013 में जी। अच्छा, किसने बनाया वो आइन? ये गवर्नमेंट ने बनाया था, अहमद नवाज। अच्छा, कौन सी जमात से ताल्लुक है आपका? पीपल्स पार्टी के। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान का आइन है वो आइन कब बनाया है और आइन किसने बनाया है? आप मुंतखब हो गए हैं, आप मुंतखब हो क्या है ना पाकिस्तान का आइन है हमारा, वो कब बनाया और किसने बनाया? वो अभी तो ये पर्चा दिया है 2013 में बनाया। अच्छा, पाकिस्तान की जो टोटल आइन के जो शिक्के हैं वो कितने हैं? माना आइन आर्टिकल जो है ना पाकिस्तान के आर्टिकल, वो टोटल कितने हैं? आप मुंतखब हो के आए ना। वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा। क्या नाम है आपका? साईं दास। कौन से जमात से ताल्लुक है आपका? शिराज गुरु पीपल्स पार्टी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान का जो आइन है ना, आप मुंतखब होके हैं, पाकिस्तान का जो आइन है वो आइन कब बनाया है और आइन किसने बनाया था? आइन जो हले भी सही है